Now let's read some points to remember. Producer's behavior क्या होता है? Nothing but production. Production is a process of transformation of input into output. Input को output में convert करने के process को ही तो production बोलते हैं. Production is defined as creation of utility. आप कोई चीज को input को output में convert करते हो, उस पर क्या लगाते हो? Land, labor, capital and enterprise. और उसको convert करते हो input से output पे using the factors of production. So production is defined as creation of utility. एक अकेला wood का टुकड़ा किस काम का, लेकिन उसको chair में convert कर दिया, हो गई उसकी यूटिलिटी. सो प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. स्टॉक डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन. स्टॉक किस पे डिपेंड करेंगे? प्रोडक्शन पे. जितना प्रोडक्शन होगा उतना स्टॉक. वेर इज सप्लाई डिपेंड्स ऑन स्टॉक. स्टॉक डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन. वेर इज सप्लाई डिपेंड्स ऑन स्टॉक एंड प्राइस. Stock, supply. Stock किस पे डिपेंड करेगा? कितना प्रोडक्शन हुआ उस पे. एंड supply किस पे डिपेंड करेगी? कितना स्टॉक है उस पे. एंड प्राइस. ओके. स्टॉक इज सोर्स फंड, वेयर इज सप्लाई इज द फ्लो. स्टॉक क्या है? फंड है, रिजर्वायर है. मेरे पास कितना है? वो फंड है. जबकि सप्लाई क्या है? जितना मैं ऑफर करती हूं सेल के लिए. तो ऑफर क्या मींस? फ्लो. सो स्टॉक इज द फंड, सप्लाई इज द फ्लो. स्टॉक इज पोटेंशियल सप्लाई, इट इज सोर्स ऑफ सप्लाई. स्टॉक इज पोटेंशियल सप्लाई, वो बाद में सप्लाई में कन्वर्ट होगा. इट इज सोर्स ऑफ सप्लाई. So remember, stock is potential supply, stock is source of supply. Seventh, determination of price depends on demand and supply. जहां पर demand और supply का equilibrium होगा, वहीं price determine हो जाती है. DD, demand curve. SS, supply curve. जहां पर ये intersect हुए, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हुआ, यहाँ पे पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी सप्लाइड की जाएगी. ओके. सो डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस डिपेंड्स अपॉन फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सप्लाई डिपेंड्स ऑन स्टॉक एंड प्राइस. सप्लाई विल ऑलवेज डिपेंड ऑन टू थिंग्स. स्टॉक कितना है और उस समय प्राइस क्या है. नाइन्थ, supply schedule is tabular representation of quantity supplied of at various prices at a given point of time. Schedule hamesha tabular representation hi hota hai of quantity supplied at various prices at a given point of time. 10th, law of supply was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics published in 1890. Law of supply kisne banaya? किसने इंट्रोड्यूस किया? प्रोफेसर एल्फर्ड मार्शल. उनकी बुक क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. पब्लिश कब हुई? 1890 में. आगे थोड़े से और पॉइंट्स टू रिमेंबर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो.